हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। एएस बुटीक में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको डिज़ाइनिंग स्लीव बनाना बताएंगे, जिन्हें हम ड्रॉप स्लीव बोलते हैं। ये देखिए, मैंने बुकरम का पीस लिया हुआ है। इसकी लेंथ 3.5 इंच है और इसकी चौड़ाई भी 3.5 इंच है। अब हम इसे डबल फोल्ड कर लेंगे और सेंटर का निशान लगाने के लिए एक और फोल्ड कर लेंगे और हम यहाँ पर एक सेंटर का निशान लगा देंगे। हमारी जो ड्रॉप है वो 2.5 इंच में आएगी, इसलिए 1/2 इंच ऊपर से निशान लगाएंगे और 1/2 इंच नीचे का। और ये देखिए, खुद ये देखिए 2.5 इंच आ गया है, ये देखिए। और जहाँ पे हमने सेंटर का निशान लगाया था वहाँ पर 1 इंच निशान लगाएंगे और अब इसकी शेप बनाएंगे। इसे बोलते हैं ड्रॉप। आधा 1/2 इंच हम मार्जिन का छोड़ेंगे। पहले हम बाहर वाले निशान की कटिंग करेंगे और फिर अंदर वाले निशान की कटिंग करेंगे। ये देखिए, हमारे ड्रॉप की कटिंग हो चुकी है और अब हम इसे कपड़े पर अटैच करना बताएंगे। ये हमने कपड़ा कटिंग किया हुआ है, ये देखिए। हम इस पर चौक से निशान लगाएंगे ताकि सिलाई करते हुए हमें कोई परेशानी ना हो। और जो साइड में कपड़ा बचा हुआ है इसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे चारों तरफ से। ये देखिए, पहले हम जो सिलाई लगाएंगे वो बुकरम के ऊपर लगाएंगे। ये हम कच्ची सिलाई लगा रहे हैं ताकि हमारी बुकरम हिले नहीं। और अभी एक सिलाई हम इसको ऐसे मोड़ते हुए लगाएंगे। हम पूरी ऐसे ही सिलाई कर लेंगे। और ये देखिए, ये हमने ड्रॉप की सिलाई लगा कर रेडी कर लिया है। अब हम आपको स्लीव्स पर अटैच करना दिखाएंगे। ये हमारी स्लीव है, ये देखिए, ये सीधी साइड है। ये हमारी फुल स्लीव है और हम सबसे पहले 2 इंच पर निशान लगाएंगे। हमने सेंटर का निशान भी लगाया हुआ है और ड्रॉप पर भी सेंटर का निशान लगाएंगे और इसको ऐसे रख देंगे। अब हम इसे चौक से निशान लगाएंगे ताकि सिलाई करते वक्त कोई परेशानी ना हो। हम यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे, हम बुकरम पर नहीं लगाएंगे, कपड़े पर लगाएंगे। उससे पहले हम इसे और पिन से सेट कर देंगे। ये देखिए, दोनों साइड से करेंगे। देखिए, हम इसकी सिलाई करते हैं। हम बुकरम पर नहीं सिलाई करेंगे, हम बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। हम थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़कर इसके चारों ओर से कटिंग करेंगे ऐसे। ध्यान दें सिलाई ना कटे और छोटी छोटी कट लगा देंगे। और फिर इसे अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे और फिर इसे हाथ से सेट करेंगे।
ये देखिए। और अब हम एक सिलाई बिल्कुल किनारे किनारे पर लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सिलाई लगा ली हुई है। और अंदर की साइड हम तुरपाई करेंगे। ये देखिए हमारा ड्रॉप बन के रेडी हो चुका है। कितना खूबसूरत डिज़ाइन है ये देखिए।